बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको महाभारत के प्रश्नों को, बाल महाभारत के पाठों के प्रश्नों को लिखवाने चल रही हूँ, जिसमें मैंने यहाँ हेडिंग डाल दी है पांडवों की रक्षा। इसके पहले की पाठों के प्रश्नोत्तर मैं यूनिट 1 में करवा चुकी हूँ, और हाफेरली के लिए जो ये 10 पाठ हैं करा रही हूँ। तो हाफेरली में आपको पाठ 1 से 20 तक पूरे आएंगे। टोटल इसमें 40 पार्ट हैं, तो आधे पार्ट जो है हाफ अर्ली तक आएंगे। तो मैं शुरू करती हूँ आपको इस पाठ के प्रश्नोत्तर लिखवाना, तो आप भी शुरू हो जाइए मेरे साथ साथ। तो जब मैं एक, तो कभी 2 पार्ट हो जाता है, कभी आपको 3 पार्ट हो जाएगा, मैं ऐसे करके लिखाऊंगी। तो प्रश्न भी लिखूंगी और उत्तर भी लिखूंगी। प्रश्न 1, पुरोचन पांडवों को कहां ले गया? तो उत्तर लिखिए, पुरोचन पांडवों को लाख के भवन में ले गया। प्रश्न नंबर 2, रात्रि में भवन में आग किसने लगाई? उत्तर नंबर 2, रात्रि में भवन में आग भीम ने लगाई। सुरंग बनाने वाले कारीगर ने पांडवों को अपना परिचय कैसे दिया? उत्तर है, सुरंग बनाने वाले कारीगर ने पांडवों को अपना परिचय देते हुए कहा,
परिचय देते हुए कहा, आप लोगों की भलाई के लिए हस्तिनापुर से रवाना होते वक्त विदुर ने सांकेतिक भाषा में जो कुछ कहा जो कुछ कहा था वह मैं जानता हूँ। यही मेरे सच्चे मित्र होने का प्रमाण है। प्रश्न संख्या 4, नीचे आपको दिखाई देगा, प्रश्न दिखाई देगा, उत्तर भले ना दिखाई दे, उत्तर मैं ऊपर ले दूंगी। लाख के भवन से बचकर लाख के भवन से बचकर पांडव कहाँ चले गए? यहाँ दिखाई देगा लिखे नीचे, वे लोग अपना गुजारा कहाँ और कैसे कैसे करते थे? प्रश्न उतार लीजिए, मैं उत्तर ऊपर लिखूंगी। प्रश्न उतारिए, मैं उत्तर ऊपर लिखती हूँ। लाख के भवन से उत्तर नंबर 4,
लाख के भवन से लाख के भवन से सुरंग के रास्ते सुरंग के रास्ते से बचकर सुरंग के रास्ते से बचकर पांडव जंगल की ओर पांडव जंगल की ओर निकल गए पांडव जंगल की ओर निकल गए वहां से गंगा नदी के किनारे खड़ी नाव द्वारा एक चक्रा नगरी में पहुंच गए और एक एक ब्राह्मण के घर आश्रय लिया एक ब्राह्मण के घर आश्रय लिया वहां से भिक्षा मांग कर अपना गुजारा किया ये हो गया प्रश्न नंबर 4 तो मैं नीचे का रब कर दे रही हूं उत्तर अभी नहीं करती हूं ताकि आप उसको लिख लें साथ साथ लिखते चलिए और स्क्रीनशॉट भी लेते चलिए एक प्रश्न और लिखवा देती हूं वर्णावत चलिए मैं इसके आगे एक प्रश्न और लिखवा देती हूं वर्णावत के लाख के घर में पहुंचकर युधिष्ठिर ने भीम से क्या कहा तो भीम से क्या कहा प्रश्न उतारिए प्रश्न 5 तो पांचवा प्रश्न आपने उतार लिया होगा उत्तर मैं लिखने चल रही हूं उत्तर नंबर 5 डाल दीजिए वर्णावत के
वारणावत के लाख के घर में पहुंचकर पहुंचकर युधिष्ठिर ने भीम से कहा, कि यह स्थान हम लोगों के लिए खतरनाक है, फिर भी हमें ऐसा व्यवहार करना चाहिए कि पुरोचन के षड्यंत्र करना चाहिए कि पुरोचन के षड्यंत्र का हमें पता नहीं है। शत्रु के मन में शक पैदा न हो। मौका मिलते ही हम लोग यहां से भाग निकलेंगे। चलिए उतारिए इसको भी। ये पांच प्रश्न हो गए आपकी पांडवों की रक्षा से। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं इसको रब करती हूं। पाठ बदल दो। पाठ 12 द्रौपदी स्वयंवर। आप भी पाठ डाल दीजिए द्रौपदी स्वयंवर और प्रश्न शुरू करिए। प्रश्न संख्या 1। पांडव एक चक्र नगरी में किस रूप में
किस रूप में जीवन व्यतीत कर रहे थे? उत्तर शुरू करिए। उत्तर नंबर एक, पांडव एक चक्रा नगरी में ब्राह्मण के वेश में जीवन व्यतीत कर रहे थे। प्रश्न संख्या दो, द्रौपदी कहाँ कहाँ की राजकुमारी थी? उनके स्वयंवर के लिए उनके स्वयंवर के लिए राजा द्रुपद ने क्या शर्त रखी थी? राजा द्रुपद ने क्या शर्त उत्तर नंबर दो, द्रौपदी पांचाल देश की राजकुमारी थी? उनके स्वयंवर के लिए उनके स्वयंवर के लिए राजा द्रुपद ने यह शर्त रखी थी कि जो राजकुमार पानी में प्रतिबिंब पानी में प्रतिबिंब देखकर उस बृहदाकार का मतलब बहुत बड़े आकार का बृहदाकार धनुष से तीर चलाकर ऊपर टंगी
ऊपर टंगी हुई मछली को गिरा देगा मछली को गिरा देगा उसी राजकुमार से उसी राजकुमार से द्रौपदी उसी राजकुमार से द्रौपदी का विवाह होगा। चलिए प्रश्न संख्या दो भी पूरे हो गई, आप इसको उतार लीजिए, फिर मैं रब करके तीन लिखूंगी क्योंकि नीचे अब उतनी जगह नहीं है। स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, मैं बिल्कुल किनारे हो जाती हूँ, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट हो गया होगा तो मैं इसको रब करती हूँ। प्रश्न संख्या तीन, ब्राह्मण परिवार क्यों दुखी था? ब्राह्मण परिवार, उत्तर लिखिए, ब्राह्मण परिवार इसलिए दुखी था क्योंकि क्योंकि बकासुर राक्षस के पास भोजन लेकर जाने की बारी ब्राह्मण परिवार की थी। चलिए हो गया ये भी, इसको भी लिखिए। बकासुर का वध किसने किया? उत्तर लिखिए, बकासुर का वध भीम ने किया। इसको भी उतार लीजिए।
उसने वक्त। फिर अगला प्रश्न है उत्तर प्रश्न 5। बकासुर का वध किस प्रकार हुआ? भोजन पहुंचाने स्वयं भीम गए और बकासुर की पीठ पर घुटने मार कर उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ डाली। चलिए इसको भी उतार लीजिए। तो दो पाठ आज मैंने करा दिया, इसके आगे के पाठ को कल कराऊंगी। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।